morning to all students. Today I'm going to start exercise number 5. So in our previous class I have not completed this exercise, yani exercise number 6 करी थी हमने previous class में, और exercise number 3 और उससे भी starting जो हमारी revision class, starting जो revision class हुई थी हमने उसमें exercise 2 को complete किया था, exercise 2 and 3 and 3 और exercise 6 को मैंने अपनी last class में किया था, और आज जो मैं आपको करवाऊँगी exercise number 5 और exercise number जो 4 है. सो हमारे जो मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक हमारे अब तक के कौन कौन से कवर हो चुके हैं. तो एक्सरसाइज नंबर 1 उसमें सिर्फ मैच दैम वाले क्वेश्चन है, यानी उसमें क्या है जो ना 1 लाख को न्यूमरल फॉर्म को और वर्ड फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है उसके साथ कैसे मैच करेंगे, यानी 1 और उसके पीछे अगर 50 है तो उसको कैसे रीड करेंगे और उसको न्यूमरल फॉर्म में, सॉरी नंबर नेम फॉर्म में कैसे लिखेंगे न्यूमरल फॉर्म को नंबर नेम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो है मैच करने वाले क्वेश्चन है. तो मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देती हूँ. 100 अगर 1 और 00 होता है, 1 और 00 होता है, सो इसका मीन्स क्या होता है 100 होता है. 1 के पीछे अगर 20 है इसको बोलेंगे हम 100, क्या बोलेंगे इसको 100. अगर 1 के पीछे 30 है इट्स मीन दिस नंबर इज 1000. 30 मीन्स 1000. 30 किसके पीछे होते हैं 1000. एंड 1 एंड 40 10000. ये 10 हो गया, और 1000 में कितने 0 लगते हैं 30. 1000 में कितने 0 लगते हैं 30. 20 100 में, 30 1000 में, यहाँ पे 1 है और ये क्या है 30 का मतलब 1000. यहाँ पे 10 नंबर है और 30 का मीन्स क्या है 10000. एंड देन इसके बाद अगर 50 होते हैं, 50 का मतलब होता है 1 लाख. 50 किस में होते हैं 1 लाख में, किस में होते हैं 1 लाख में. 100 1000 10000 1000 में 30 लगते हैं. अब आपको देखना है 1 है तो 1000, 10 है तो 10000, और 50 अगर 1 के पीछे 50 इट्स मीन 1 लाख. 10 लाख में क्या होगा 10 होगा, और लाख में कितने 0 होती है 5, तो ये क्या हो जाएगा 10 लाख. ये क्या हो जाएगा 10 लाख. ठीक है, ये बस एक्सरसाइज 1 है. एक्सरसाइज 2 जो है वो मैंने आपको करवा दी थी. इसमें आपको क्या करना था, एक्सरसाइज 2 में नंबर नेम्स इंडियन सिस्टम में लिखना था. तो मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का बता दिया कि इंडियन सिस्टम में नंबर नेम कैसे लिखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम को कैसे लिखेंगे. ओके, एंड एक्सरसाइज 3 जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में ही करवाई थी लास्ट क्लास में, कि न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे नंबर नेम को न्यूमरल फॉर्म में, यानी यहाँ पे जैसे 36300. तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का ही मैंने आपको बता दिया था कि इंडियन सिस्टम में कैसे होता है. इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद 1 लाख आता है, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है 10,000 के बाद 100,000 होता है. ठीक है, फिर उसमें इंडियन सिस्टम में 10 लाख होता है, और इसमें 1 मिलियन होता है. 100,000 के बाद क्या होता है 1 मिलियन. फिर ऐसे 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे 3-3 के मिलियंस है, तो मिलियंस के 3 पेयर्स बनेंगे. 1000 में 1000 के 3 पेयर्स बनेंगे, किसमें इंटरनेशनल सिस्टम में. ठीक है, तो इसमें कॉमा भी ऐसे ही पुट करते हैं, कॉमा भी मैंने आपको पुट करना बता दिया था. और आज की क्लास में जो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो टॉपिक करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5. और आपको एक्सरसाइज मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगी, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं टॉपिक्स ही आपको बताऊँ और एक्सरसाइज क्या है वो नहीं बताऊँ, तो इसमें आप ऐसे मत समझना कि मैंने वो टॉपिक या वो एक्सरसाइज को नहीं कर पाया है. तो एक्सरसाइज 5 जो है उसमें है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. तो मैं आपको टॉपिक यही ले लेती हूँ, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. सो सबसे फर्स्ट मैं फेस वैल्यू, एंड देन उसके बाद, क्योंकि फेस वैल्यू बहुत इजी है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. अगर कोई भी डिजिट है, क्वेश्चन इज जैसे, सो फाइंड द
द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर फोर. तो नंबर फोर की फेस वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. तो फेस वैल्यू शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, एस मीन फेस, बी मीन वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ द नंबर फोर इज, नंबर फोर की प्लेस फेस वैल्यू क्या होगी? देखो फेस वैल्यू जब भी हम फाइंड करते हैं किसी भी नंबर की, तो फेस वैल्यू वही होती है. वही का मतलब फोर की फेस वैल्यू पूछे ना तो फोर ही होगी, ठीक है. जैसे अगर आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू बतानी नंबर नाइन की, नंबर नाइन की फेस वैल्यू बतानी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर नाइन की बतानी है, तो नंबर नाइन की फेस वैल्यू क्या होगी? नाइन ही रहेगी. नंबर टू की फेस वैल्यू बतानी है तो नंबर टू की फेस वैल्यू टू ही रहेगी. नंबर थ्री की फेस वैल्यू बतानी है तो नंबर थ्री की फेस वैल्यू थ्री ही रहेगी. तो इसमें कहीं पर भी जीरो नहीं लगता है. फेस वैल्यू एज इट इज जिस भी नंबर की आपसे पूछी जाए वो उसका आंसर वही होता है. थ्री की पूछी जाएगी तो थ्री उसकी फेस वैल्यू होगी. नंबर टू की फेस वैल्यू पूछी जाए तो नंबर टू की फेस वैल्यू टू ही होगी. अगर कोई भी डिजिट है उसमें वन की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो वन ही होगी, ठीक है. तो वो ही जो डिजिट जिसकी आपको फेस वैल्यू पूछी जाए वो ही उसका आंसर होगा, वो ही उसकी फेस वैल्यू होगी. ओके, क्लियर इट. अवर नेक्स्ट टॉपिक प्लेस वैल्यू. सो अगर यहाँ पे नंबर फोर की ही प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो, पीक मीन्स प्लेस एंड वी मीन्स वैल्यू. प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर फोर, नंबर फोर की प्लेस वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर आपको ये प्लेस वैल्यू जब भी आपको फाइंड करना होता है वो आप स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड एंड देन टेन थाउजेंड. सो इसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं. सो यहाँ पे नंबर फोर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? हंड्रेड. तो सबसे फर्स्ट जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर फोर, तो जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है पहले वो नंबर लिखेंगे. नंबर फोर की फाइंड करनी है इसलिए सबसे पहले लिखेंगे नंबर फोर. एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे फोर की जो प्लेस वैल्यू है वो है हंड्रेड. तो हंड्रेड में कितनी जीरो होती है? हंड्रेड में टू जीरो लगती है. तो आपने फोर के बाद जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है वो नंबर लिखोगे, और जो भी जिस भी प्लेस पर वो है उतने आपको जीरो लगाना है. हंड्रेड प्लेस पर है इसलिए फोर जीरो, सॉरी टू जीरो. दैन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होती नंबर थ्री की, तो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर थ्री, नंबर थ्री की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं अब राइट द नंबर एंड देन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर. सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड. नंबर थ्री की जो प्लेस वैल्यू है वो कौन सी है? टेन थाउजेंड. तो टेन थाउजेंड में ध्यान रखना है आपको कितनी जीरो लगेगी. टेन थाउजेंड में फोर जीरो लगती है ना. थाउजेंड में सिर्फ थाउजेंड अगर होता है तब उसमें थ्री जीरो लगती है, टेन थाउजेंड होती है फोर जीरो लगती है, ठीक है. तो इस नंबर थ्री की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? थर्टी थाउजेंड. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, मान लो कन्फ्यूज हो जाते हो आप, तो आप अदर वे जो मेथड है उससे भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको किस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो आपसे पूछ ले यहाँ पे थ्री की पूछ लेना, तो इसके पीछे कितनी डिजिट है? वन, टू, थ्री, फोर. जो भी नंबर जिसकी भी प्लेस वैल्यू पूछी जाए उसके पीछे जितनी डिजिट है, जितनी डिजिट है उतनी आपको जीरो लगानी है. फोर डिजिट है फोर जीरो लगा देंगे. यहाँ पे नंबर टू की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है अगर आपसे, नंबर टू की प्लेस वैल्यू, तो पहले क्या लिखोगे? नंबर टू, उसके पीछे कितनी डिजिट है? थ्री डिजिट है तो थ्री जीरो लगा देंगे. ऐसे भी हो सकता है. और आप देखो थाउजेंड पे है ये, वन थाउजेंड प्लेस वैल्यू पर है नंबर टू, तो वन थाउजेंड में कितनी जीरो लगती है? ओनली थ्री जीरो, इसलिए थ्री जीरो. किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. तो ये हमारा टॉपिक है फेस वैल्यू नंबर. मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, उसमें आपको बताना है. जैसे सो इन दिस क्वेश्चन प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पहले मैं बता देती हूँ. फेस वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, फेस वैल्यू बतानी है नंबर टू की. फेस वैल्यू नंबर टू की क्या होगी? जो भी जिसकी भी फेस वैल्यू पूछे वो ही उसका आंसर होता है. नंबर टू की फेस वैल्यू टू ही होगी, और इसी की डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो नंबर टू की प्लेस वैल्यू होगी. देखो अवंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. तो टेन थाउजेंड में कितनी जीरो लगती है? फोर जीरो. ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं आता मेथड तो ऐसे देख लो इसके पीछे कितनी जीरो डिजिट है. फोर डिजिट है तो फोर जीरो लगा दिए, दैट्स इट. नेक्स्ट नंबर अगर आपसे पूछा जाए इस टू की फेस वैल्यू बतानी है, फेस वैल्यू ऑफ, चलो इसको टू की जगह मैं और कुछ बता देती हूँ, जीरो की बतानी है, ऑफ जीरो. तो जीरो की फेस वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी. और प्लेस वैल्यू भी क्या होगी? प्लेस वैल्यू भी जीरो होगी. वंस पर अगर है तो जीरो ही होगी. देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जीरो कहीं पर भी हो, जैसे यहाँ पे जीरो है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही जीरो होगी. प्लेस वैल्यू भी नंबर टू की जीरो की चेंज नहीं होती है, जीरो ही रहेगी.
तो आपको समझ में आ गया फेस वैल्यू, तो जो जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जाए वही उसका आंसर होता है। 9 की फेस वैल्यू किसी भी नंबर में 9 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 9 ही उसका आंसर होगा। 5 की फेस वैल्यू पूछेंगे तो 5 ही उसका आंसर होगा। अब प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 1s, 10s, 100 उसके थ्रू आपको देखना होता है। 1000 में अगर डिजिट आती है तो उसके पीछे 30 लगते हैं, डिजिट लिखोगे जिसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, देन उसके बाद 1000 पे अगर वो है तो 30 लगाओगे उसके पीछे, अगर 10,000 में है डिजिट तो उसके पीछे 40 लगाओगे। ओके, इस तरीके से आपको करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का भी मैंने आपको बता दिया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हम नंबर्स को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्लेस वैल्यू जैसे ये नंबर है, मैं इसकी प्लेस वैल्यू आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में उसी का बता देती हूँ। जैसे वैसे मैंने ये टॉपिक बता दिया था आपको एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, बट फिर भी बता देती हूँ। जैसे नंबर 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, सब डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 3 की प्लेस वैल्यू 1000 पे है, 40 लगा दिया, देन 2 की प्लेस वैल्यू 110 इसमें लेस होते जा रहे हैं, 90+8 इस तरीके से सब डिजिट की प्लेस वैल्यू यही होगी। इसको प्लस वाले तरीके से इस तरीके से लिखना क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट प्लीज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। स्पेशली टॉपिक आपके यही है कि आपको नंबर नेम में कैसे लिखना होता है, हाउ कैन वी राइट नंबर नेम फॉर्म, हाउ कैन वी राइट न्यूमरल फॉर्म, एंड देन व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, एंड ऑल्सो एक्सपेंडेड फॉर्म। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म या न्यूमरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब तक हमारे ये टॉपिक क्लियर हो गए हैं। और हाउ कैन वी पुट द कॉमास इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा जो पेयर बनेगा 3-3 डिजिट का पेयर बनेगा, यानी आपको यहाँ पे 1, 2, 3 और अगर यहाँ पे 1, 2, 3 मान लें यहाँ पे ऐसे हैं तो 1, 2, 3 ऐसे कॉमा पुट करना है। और इंडियन सिस्टम में कैसे होता है, 1, 2, 3 बस पीछे से 3 डिजिट, देन उसके बाद 2-2 डिजिट का पेयर बनेगा। देखो स्टूडेंट क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 1 stands 100 इंडियन सिस्टम में भी ये तीनों होते हैं, 1 stands 100 इंटरनेशनल सिस्टम में भी यहाँ तक तीनों में सेम होता है। ठीक है, देन इंडियन सिस्टम में 1,00,000 और 10,000 उसके बाद क्या आ जाता है, लैक आ जाता है। तो 1000 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 तक ही है ना, 1000 10000, इसलिए 2 का पेयर बनता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, और उसके बाद 1,00,000 10,00,000 तो ये भी 2 ही है, 2 से ही बिलोंग करे, 2 से बिलोंग का मतलब 10,000 10,000 1000 की जो प्लेस वैल्यू है वो 2 नंबर तक ही है, इसलिए 2 डिजिट से बिफोर कॉमा। 1,00,000 10,00,000 तो ये भी 2 का ही पे बन रहा है, उसके बाद तो 1 crore आ जाता है। तो इसलिए में इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद 2-2 डिजिट का पेयर बनता है। उसमें क्या होता है, 1 stands 100 कॉमा 1000 10000 और 100,000 100,000 की 3, फिर 1,000,000 10,000,000 100,000,000 इसके भी 3, इसलिए 3-3 डिजिट का पेयर बनता है। तो इस तरीके से कॉमा पुट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है होगा वो हम अपनी नेक्स्ट टुमारो क्लास में करेंगे। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन इन योर रफ कॉपी, ओके, नॉट इन फेयर कॉपी। थैंक यू।